दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क ने अपने स्टारशिप रॉकेट के बारे में एक डेमो दिखाया है कि किस तरीके से ये काम करेगा और शायद इस साल ये ऑर्बिट भी कर सकता है। इसी तरीके से ये कई सारी डेट या साल बताते रहते हैं, तो चेक करते हैं कि भैया हो पाता है ये काम, नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर स्टारशिप की जो कॉस्ट है इन्होंने बताई है करीबन 10 मिलियन, जो कि फैल्कॉन 9 से भी बहुत ज़्यादा सस्ती रहेगी और इसको हर 2-3 साल में यूज़ किया जा सकता है। मतलब ये रियूजेबल होगा, क्योंकि इसमें जो सुपर हैवी बूस्टर होगा जो कि मार्स या फिर मून तक लेके जा सकता है रॉकेट को, वो रियूजेबल होगा, वो धरती पर वापस लैंड कर जाएगा, उसके बाद में उसका यूज़ वापस किया जा सकता है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने अब ड्रोन के ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। जो भी आप फ़ौरन से इंपोर्ट करवाओगे वो कस्टम ड्यूटी के वक्त में ही वहीं पर सीज कर दिए जाएंगे, वो आप तक नहीं पहुँचने वाले। लेकिन अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए या डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए चाहिए तो मिल सकते हैं कस्टम क्लियरेंस, लेकिन वहाँ पर भी चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पर ये किस लिए किया गया है, ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं कि भैया यहीं पर मैन्युफैक्चर किया जाए, क्योंकि जो ड्रोन के कंपोनेंट होंगे उनको मंगवाया जा सकता है विदेश से, लेकिन पूरा ड्रोन नहीं मंगवाया जा सकता। दोस्तों, हम में से बहुत लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता होगा, क्या जिस तरीके से डायनासोर का खात्मा हुआ है, इस धरती से एस्ट्रॉइड धरती पर टकराया और उसके बाद में वो गायब हो गए, क्या इंसान भी इस तरीके से धरती से गायब हो सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए पूरी धरती के ही खात्मे की, तो वो भी बताया है साइंटिस्ट ने कि ये किस तरीके से होगा। दरअसल 7-8 बिलियन साल बाद सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाएगी, उस पर उतने सालों की ही एनर्जी है, और उसके बाद में होगा क्या कि कोई स्टार उससे टकराएगा जिसकी वजह से अर्थ बिल्कुल ही एक डेड प्लैनेट कहलाएगा। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग डीसी के बैटमैन के काफ़ी ज़्यादा फैन होंगे, और इसी तरीके से वियतनाम के हनोई का रहने वाला एक 23 साल का आर्किटेक्चर भी फैन है। वो दरअसल अभी स्टूडेंट ही है यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर का, और उसने एक बैट मोबाइल बनाई है कुछ इस तरीके की, लेकिन ये फुल्ली फंक्शनल है, ये चलती भी है, और ख़ास बात ये है पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। दोस्तों, अभी कुछ ही टाइम पहले मुंबई के अंदर जियो का नेटवर्क इस तरीके से गायब हो गया था जैसे कि कहीं ट्रांसफार्मर फूक जाता है और उसके बाद में कहते हैं कि 8 घंटे लगेंगे तब लाइट आएगी, वो ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं। इसी तरीके से एयरटेल का भी ट्रांसफार्मर फूक गया, कई सारे स्टेट के अंदर एयरटेल का इंटरनेट नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से कस्टमर केयर तो भाई 10-10, 15-15 मिनट के लिए वेटिंग में डाल रहा था, नए यूज़र जो कॉल करके पूछना चाह रहे थे कि क्या दिक्कत हो गई है। लेकिन इनका सही रहता है, ब्रॉडबैंड वाले को बोलते हैं कि अपना राउटर रिस्टार्ट करो, अपना लैन वायर निकाल के देखो, और बहुत सारी चीज़ें करते भी हैं, लेकिन मोबाइल इंटरनेट वाले के साथ में जब कुछ करने को नहीं रहता तो उसको भी ये सेम चीज़ बोलते हैं कि अपना मोबाइल रिस्टार्ट करके देखो। इससे होता क्या है, कॉल कट हो जाती है, कौन बार बार मगजमारी करें। दोस्तों, अभी रिसेंटली ही स्पेस एक्स ने करीबन 49 अपने स्टारलिंक के सैटेलाइट लॉन्च किए थे, लेकिन उनमें से 40 जियो मैग्नेटिक स्ट्रोम की वजह से कहाँ गायब हुए किसी को मालूम नहीं है। और यहाँ पर एलोन मस्क का तो यही कहना है कि भैया वो धरती की तरफ वापस आ गए होंगे और जल भुन गए होंगे, क्योंकि इसके बाद में सवाल उठते हैं कि भैया स्पेस में डिबरी फैला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, एक तो इतनी सारी सैटेलाइट है उसकी वजह से हमारी सैटेलाइट को दिक्कत हो रही है, कहीं टकरा ना जाए, तो कई देश बोलते रहते, तो इस वजह से कह दिया के धरती की तरफ वापस आ गए और जल भुन गए। दोस्तों, एक वाइट हैट हैकर है जिसको फ्रीमैन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने iOS इंडिया जेल ब्रेक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया था और इनको iOS हैकर भी बुलाया जाता है। इन्होंने $2 मिलियन की बग बाउंटी जीती है जो कि करीबन 15 करोड़ रुपए होते हैं इंडियन करेंसी के अंदर। इन्होंने एक क्रिटिकल बग ढूंढा है क्रिप्टो करेंसी के एक प्रोजेक्ट के अंदर जो है इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग प्रोजेक्ट ऑप्टिमिज्म, और उसमें इन्होंने एक ऐसा क्रिटिकल बग ढूंढा है जिससे कि बंदा कितने भी टोकन यानी कि कॉइन प्रिंट कर सकता था और उसके बाद में उसके तो मजे ही मजे हो जाते। सो इसी को फाउंड करने के बाद में इन्होंने बताया और उसके बाद में इनको $2 मिलियन का रिवॉर्ड दिया गया। दोस्तों, सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करोगे तो यहाँ पर AI का यूज़ किया जाता है उस कार को चलाने के लिए, लेकिन उसकी टेस्टिंग रियल रोड पे पहले नहीं की जाती, उनको गेम्स में टेस्ट किया जाता है। इसी तरीके से सोनी ने भी अपने AI को टेस्ट किया है ग्रैन ट्यूरिज्मो के अंदर जो कि एक रेसिंग गेम है, और वहाँ पे बेस्ट ह्यूमन ड्राइवर्स आए थे उस कंपटीशन के अंदर, जहाँ पर वो अपना AI भी लेके गया था और उस रेस के अंदर उनका AI फर्स्ट आया है। उसने सारी चीज़ें बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से जज की कि किस तरीके से मुझे कट लेना है, किस तरीके से मुझे मुड़ना है, किस स्पीड में मुझे रहना है, और उस तरीके से वो सभी
बेस्ट ड्राइवर्स से, दुनिया के बेस्ट ड्राइवर आए थे इसके अंदर, उन सभी से काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।